तरसी लादा उसे वेले हो जाना जाके जद साहेबानू मैं सीने नाल लाया केड़ा रोह तुलू बच्ची नू मूरे हो के पले खेचना रही जती हाँ जी सत श्री अकाल जी ते तुहाडा सब दा एक बार फिर तो स्वागत करते हाँ तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट पंजाब उत्ते। अर्जन ढिल्लों वालों 29 जून रिलीज़ की 15 गीतां दी एल्बम सुरूर दे सारे दे सारे गीत ही बाकमाल ने, पर उत्थे ही एक पुरातन इतिहासिक किस्से नूं बयान करदा गीत माइटी मिर्जा दर्शकां वालों काफ़ी पसंद किया जा रहा। इस गीत के अर्थ जानने की तुहाडे सारियां वल्लों बहुत सारे कमेंट ते इंस्टाग्राम ते मैसेज किए जा रहे सन। अर्जुन वल्लों इस गीत च कई नामों का जिक्र किया गया जिमें कि खीवा खान, समीरा, मिर्चा खान खरल, अकबर, करजा सरजा, नूर, चंदड़ ते सत्ती ते कई होर। अज की इस वीडियो असी मिर्जा साहिबा के किस्से दे राही इन्हों सब बारे गल करांगे कि ये कौन सन, ते नाल ही गल करांगे कि अर्जन ने यह क्यों कहा चोटी दाहां तीर अंदाज सोनीए अकबर दिता ए खिताब सोनीए। ओ गल दिल्ली दरबार दरवाजे ते देख खुणी पई जट्टी ए। इस सब बारे जानण लई वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। मिर्जा साहिबा का किस्सा संयुक्त पंजाब का एक बड़ा ही मशहूर किस्सा है। अज भी चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे लोग इस किस्से नूं बड़े चा नाल गाउंदे ते सुणदे ने। मिर्जा साहिबा किस्से दे वापरन दा समां 1627 तों लै के 1658 ईस्वी तक मन्निया जांदा है। मिर्जे दा जन्म पिंड दानाबाद विच होया। मिर्जे दा पिता बिंजल जट दानाबाद दा सरदार सी। मिर्जा खरल खानदान नाल संबंध रखदा सी। ओ गर्जा सरजा ते नूर मेरे भाई सोनीए चल जांदे सिर मेरे आई। मिर्जे दे तीन भरा करजा सरजा ते नूर सन ते एक भैन सत्ती भी सी। मिर्जा घर विच सब तो छोटा होण करके शुरू तो ही बड़ा लाडला सी। खेडदिआं खेडदिआं ओह अपणीआं गलेल नाल खूह तों पाणी भरदीआं औरतां दे घड़े ते गागरां तोड़ाउंदा सी। उस दीआं रोज़ रोज़ दीआं शिकायतां तों मां बहुत तंग आ चुकी सी। एक दिन मिर्जे की माँ नसीबो ने एक गल अपने भरा खीवे खान नूं दसी। खीवे खान झंग जिले के खीवे इलाके का चौधरी सी ते ओह मिर्जे का मामा भी लगता सी। ओह मिर्जे नूं चंगी पढ़ाई लिखाई ते सेध देण लई अपने नाल अपने पिंड लै आया। नानके रहिंदिआं मिर्जे नूं मदरसे मौलवी कोल पढ़न भेजा जांदा। इत्थे भी मिर्जा अपनियां शरारतां तों बाज ना आया। ओह मौलवी जी ते बच्चियां नूं तंग करदा रहिंदा सी। खीवे खान की एक धी साहिबा भी मिर्जे दे नाल ही मदरसे विच पढ़न जाया करती सी। मिर्जा ते साहिबा दोनों इकट्ठे ही खेडदे सन। मिर्जा पढ़दे समय भी साहिबा नूं ही तकदा रहिंदा सी। इस तरह मिर्जा ते साहिबा नूं छोटी उम्र ही इश्क हो गया। छोटी उम्र च मिर्जा ते साहिबा दे इकट्ठे खेडण जां रहण ते किसी नूं कोई इतराज़ नहीं सी। हुण जिवें जिवें ओह जवान हो रहे सन उहनां दा इश्क भी जवान हुंदा जा रहा सी। चारे पासे उहनां दे चर्चे होण लगे। मिर्जा बहुत बड़ा बलवान योधा ते चोटी दा तीरअंदाज बन चुका सी। उधर साहिबा दे हुसन दी भी चर्चा सिखरां ते सी। कहानी विच अगे वधण तों पहलां दस दईए कि इस गल दा की मतलब है। चोटी दाहां तीर अंदाज सोनीए अकबर दिता ए खिताब सोनीए। चोटी दाहां तीर अंदाज सोनीए ओ अकबर दिता ए खिताब सोनीए। पुराने बजुर्ग यह गल दसदे ने कि किसी रौले दे कारण उस वक्त मिर्जे नूं अकबर दी जेल विच रहना पिया सी। इत्थे जेल तों रिहा हो के मिर्जे ने एक तीर अंदाजी मुकाबले च हिस्सा लिया। कहा जांदा है कि उस वक्त चोटी दे तीर अंदाज आए हुए सन पर किसी तो भी अकबर के दिते निशान से तीर ना टुकया गया। मिर्जे ने निशाना सेध पूरी सही जगह पर मारिया। अकबर इस गल तो बहुत ज़्यादा खुश होया ते उसने मिर्जे को 360 तीर ते एक बक्की घोड़ी नीली तोहफे वजों दिती सी। इतिहास इस गल का गवाह है कि यह गल अज भी पुरानी दिल्ली दरबार के दरवाजे उपर लिखी हुई है। मिर्जा चोटी का तीर अंदाज है। सो इस करके ही अर्जन ढिल्लों लिखता है कि ओ गल दिल्ली दरबार दरवाजे ते देख खुणी पई जट्टी ए। हुण मिर्जा ते साहिबा दे किस्से वल अगे वधदे हां। मिर्जा ते साहिबा दे इश्क दी इस गल नूं समाज ने परवान ना कीता।
चौधरी खीवे खान की पिठ पिछे लोग थू थू कर लगे। साहिबा का वड्डा भरा समीर भी लोगों के ये बोल सुन सुन के तंग आ गया कि चौधरी ने अपने घर सप पालिया होया है। चौधरी खीवे खान ने दुखी हो के मिर्जे नूं अपने घरों कढ दिता। साहिबा दी मिर्जे बिना ते मिर्जे दी साहिबा बिना हालत खराब हुंदी गई। मिर्जा थां थां भटकदा रहिंदा ते साहिबा भी घर च अंदर बैठी रोटी पानी ना खांदी। अपनी मासी दे कहण ते मिर्जा अपने घर अपनी माँ ते भैण सत्ती कोल दानाबाद आ गया। मिर्जा हुण साहिबा तों बहुत दूर अपने घर दानाबाद सी। उधर दूजे पासे समीर ते चौधरी खीवे खान ने साहिबा दा ब्याह चंदड़ खानदान दे ताहिर नाल तय कर दिता। मिर्जे नूं जद ये खबर मिली तो वह बक्की ते सवार हो के साहिबा वल भज्जण लगा। मिर्जे दी भैण सत्ती दा उसे दिन निकाह भी सी। सत्ती दे रोकण ते भी मिर्जा ना रुकिया ते अपने भरावां मां ते भैण नूं छड्ड कल्ला ही साहिबा वल तुर पिया। मिर्जा साहिबा नूं भजा के लै आया ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਚੰਦੜ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਮੀਰੇ ਦੀਆਂ ਖੱਜਰਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾ? ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੀਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੰਡ ਹੇਠ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਦੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸਰੂਰ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।